इस विश्व के निर्माण से पहले शून्य में एक महाविस्फोट हुआ था। उस अंतरिक्ष के प्रलय से सूर्य, चंद्र, ग्रह राशि सभी नक्षत्र बाहर आ गए थे। इस महासृष्टि को सुंदर बनाया उस कृष्ण की लीला ने। कालकोट, जो उनकी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, इस विश्व का विनाश करने के लिए उस भयंकर विस्फोट से निकलकर बाहर आए थे। कोई भी मानव या दैव शक्ति उन कालकोट की तबाही को रोक नहीं पाई। उनसे हो रहे इस विनाश को देखकर सभी ग्रह भयभीत हो गए थे। तब कालकोट से इस ग्रह नक्षत्र मंडल में मौजूद पृथ्वी की रक्षा करने के लिए देवी आई। त्रिमूर्ति को साक्षी मानकर उस पराशक्ति ने उन्हें प्रमाण दिया कि वो देवी उस कालकोटी की बंदी बनेगी। पूरा विश्व जिसकी आंखों में बसा हुआ है वो आदि शक्ति उनकी बंदी होने वाली है। ये जानकर खुशी से चीखते हुए, विकृत नृत्य करते हुए इस पृथ्वी को छोड़कर विश्व माता को अपना बंदी बना लिया। आगे बढ़ो। कितनी प्यारी लड़कियां हैं, कौन हैं ये बच्चियां? मैं तो इन्हें बचपन से देख रही हूँ। इनकी माँ एक ही साथ इन चारों को जन्म देकर इन्हें माँ के चरणों में छोड़कर कहीं चली गई थी। माँ की सेवा करते करते इतनी बड़ी हो गई हैं। जो भी प्रसाद माँ को चढ़ता है ये चारों उसे मिल बांट कर खाती है। माँ के लिए दी गई साड़ी को भी चारों मिल बांट कर पहनती है। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो, तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। चाची चाची सुनिए ना, हमारा भी हाथ देखिए ना। बताइए हमारे माता पिता कौन हैं? उनका नाम क्या था? तुम लोग तो ननी ननी छोटी परियां हो। जिस दिन तुम माता के चरणों में आई थी उसी दिन 150 साल उम्र वाले बाबा जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम लोग सिंह राशि वाली हो और इसीलिए सिंह पर बैठने वाली इस माता रानी के पास तुम आई हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। सिंह राशि? यानी सिंह राशि में जन्म लेने वालों को माता पिता नहीं होते? अफसोस क्यों करती हो, मेरे हिसाब से तुम लोगों की कोई मामूली कुंडली नहीं है, देवी माँ ने खुद लिखी है। बहुत हो गई तुम लोगों की पूजा पाठ, अब और ढोंग नहीं चलेगा। समझ क्या रखा है मुझे, मैं इस इलाके का होने वाला राजा हूँ। कितना भी सिर पीट लो इन्हें समझ में नहीं आता, माता को जो इज्जत मिलती है वो मुझे मिलनी चाहिए। अरे ये क्या लगा रखा है, बस करो और जाओ यहाँ से। तुम यहाँ आओ। हम यहाँ पर आए हैं उसका एक कारण है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? यहाँ के पहाड़ों पर गांजा की खेती करेंगे ना तो हम सब बहुत बहुत ही मालामाल हो जाएंगे। जहाज के जरिए बाहर के देशों में भेजेंगे ना तो सोने की ईंटें मिलेंगी, उससे हम ऐश करेंगे। देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है, इस पूरे पहाड़ पर गांजे की खेती कर लो। इस पहाड़ पर जब तक पहाड़ी लोग रहेंगे तब तक हम लोग गांजे की खेती कैसे करेंगे? इन्हें यहाँ से भगाना होगा। ए बाबा जी, इन पहाड़ों को तुम्हें खाली करवाना होगा। कोई बड़ी बात नहीं, माता जब तक इस गद्दी पर रहेंगे तब तक लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है बाबा। ये तो सही है, माता के होते हुए ये जगह कोई खाली नहीं करने वाला। माता से जगह खाली करवा दे तो? क्या माता से? हाँ, आज रात ही इसी माता से कहलवाने की तैयारी करूंगा, उसके बाद सब लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। मैं यहाँ के पापों को और नहीं सह सकती, नहीं
सह सकते। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारे पापों को देखकर मेरी इन आँखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। मुझसे और सहा नहीं जाता, मैं यहाँ नहीं। अच्छी नौटंकी करता है ये, तो बहुत होशियार निकला। आ जाओ। नहीं माता, नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो यहाँ के लोग तो मर जाएंगे माता। जो हो जाए मैं नहीं रहूंगी। क्षमा माता, बताइए इन लोगों को क्या करना होगा। माता बताइए क्या करें। सबको ये पहाड़ छोड़कर जाना होगा, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं गए तो मैं इस जगह को जलाकर राख कर दूंगी। सुन लिया ना, कोई भी पहाड़ी यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। सब लोग ये पहाड़ी छोड़कर यहाँ से चले जाओ। माता ने क्या कहा सुना ना तुम लोगों ने? चलो निकलो, अपने अपने सामान बांधो और निकलो यहाँ से। माँ शांति, सब लोग निकल, सब लोग निकलो यहाँ से। औरत हो या मर्द, सब लोग निकल जाओ। जाओ निकलो, निकलो सब लोग यहाँ से। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा? छोड़ दो। कैसा जमाया मैंने, कैसा रहा मेरे रंगों का खेल, लाल पानी का खेल। अरे बाप रे, मेरा शातिर दिमाग भी इतना शातिर तरकीब नहीं सोच पाता। नौ, नौ, नौ। ओ पहाड़ी बाबा, ये माता तो बहुत शक्तिशाली है ना। धोखा देकर तुमने पहाड़ियों को तो भगा दिया, क्या ये माता हम लोगों को जीने देगी है? अरे छोड़ो, क्या होगा, माता की शक्ति तो कैद है और उनके आजाद होने का रास्ता मुझे पता है। वो मेरे होते हुए कभी आजाद नहीं हो सकती, कोई कुछ भी कर ले। ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। ये देखो, ये है आठवां शूद्र शासन, आखिर के 100 सालों में अघोरियों ने लिखा था। अरे और 5000 साल में एक बार विलक रोष के दौरान अष्टवक्र के ग्रह जब एक ही कतार में आते हैं, तब उसके दक्षिण आयन के गमन से 8 ग्रहों की परछाई पड़ेगी। तब इस महाशक्ति के किए गए प्रमाण के मुताबिक करल कोट शक्ति वज्र रूप लेकर इस देवी माँ को अपना बंदी बनाएगी। उनके तीनों नेत्रों से आंसू निकलेंगे, तब ये देवी शक्तिहीन हो जाती है और समस्त संसार स्तंभित हो जाता है। इसीलिए सभी दैव शक्तियों ने मिलकर इनके मुक्ति का एक उपाय निकाला। वो सिंह स्वरूपिणी है, सिंहासिनी है, इसीलिए सिंह राशि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हो, उनके सामने आकर अग्नि में आहुति ले ले तो ये माता उन शक्तिशाली गरुड़कुट शक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगी। तब तक वो बिना प्राण के सिर्फ एक पत्थर है। वो देखो, वो अभी भी गरुड़कुट शक्तियों की बंधी बनी हुई है। वो अब बिना शक्ति वाली सिर्फ एक पत्थर है। ये एक अघोर रहस्य है और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ? मतलब माता को कभी मुक्ति नहीं मिली थी क्या? मिली थी। पहली बार जब ये बंदी बनी थी तब एक तितली ने इस आग में अपनी आहुति दी थी, वो भी सिंह राशि की थी। फिर जब वो बंदी बनी तो 2 खरगोशों ने इसी आग में आहुति देकर उसे मुक्त करवाया था। ओ तेरी, वो एक तितली और 2 खरगोश साधारण जन्म के बाद भी इतने शक्तिशाली थे क्या? जन्म लेना मुख्य नहीं है, मुख्य है सिंह राशि में जन्म लेना। सिंह राशि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, वो इस अग्नि में आहुति देगा तो इस माता को मुक्ति मिल जाएगी। ये देव अघोर शासन में लिखा गया था। कोई सिंह राशि वाला ये रहस्य जानकर माता को मुक्त कर दे तो हमारे प्लान पर तो पानी फिर जाएगा। अरे ये कलयुग है, जान कर भी कोई इस अग्नि में आहुति नहीं देने वाला। अच्छा, इनके बंधन मुक्त होने से पहले मैं खुद इस माता को यहाँ से उखाड़ दूंगा। अच्छा, चलाकर राख कर दूंगा। मैं खुद ही उस स्थान पर बैठकर खुद भगवान बन जाऊंगा। जाओ बन जाओ, मेरे भक्तों की तैयारी करो, मैं भगवान हूँ, मुझे नर बलि दो। क्या कोई है सिंह राशि वाला जो माता को बंधन से मुक्त करेगा? कोई नहीं। ये
जिस दिन तुम माता के चरणों में आई थी उसी दिन 150 साल उम्र वाले बाबा जी ने ये बताया था कि तुम लोग सिंह राशि वाली हो। सुनो, तुमने माँ के प्रसाद को हमने बांट कर खाया, माँ की साड़ी भी सबने मिलकर पहनी, अब माँ के लिए मौत भी हम चारों को बांट लेनी चाहिए। हे माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, हमारे प्राण की आहुति देकर आपको मुक्त करवाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माँ, बंदी की गई एक गुड़िया, वो ये झूठे आंसू, मैंने जो सोचा था वैसा हो गया, पूरा पहाड़ खाली हो गया, यहाँ पर मेरा राज होगा। झूठे आंसू मिट गए, मैंने मिटा दिए। कैसा लगा चमत्कार? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने उसको हटा दिया। मैं भगवान हूँ, मेरे लिए मंदिर बनाओगे ना? बताओगे, मेरे लिए मंदिर बनाओगे ना? तुम मेरे लिए मंदिर बनाओगे? ये क्या हो रहा है? राशि के बच्चे हो, आओ, आ जाओ। इस दैवीय सृष्टि को मात देकर आत्मदाह करके इस आदि शक्ति को बंधन मुक्त करने वाली तुम लोग ही सही मायने में देविया हो। आज से तुम लोग बड़ी माता के साथ मिलकर बड़ी माता छोटी माता के नाम से अवतरित होंगी। Great, but devil is very clever. Computer, तुम इंसान से ज्यादा महान हो, तो फिर इंसान के कहे मुताबिक क्यों चलते हो? Can you observe your weakness? टीवी के खाना खजाना प्रोग्राम में अगर ये मसाला डाले तो कहते हैं क्या खुशबू है, उन्हीं मसालों को मैं डाल दूं तो कहते हैं बदबू है, बदबू है। मिस्टर किचन, आज कंप्यूटर का एनिवर्सरी है, बढ़िया गुलाब जामुन बना दो, सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। नो, जीवन साहब और मालकिन हमें जो पकाने के लिए कहेंगे हम वही पकाएंगा। अगर मैं आपके हिसाब से खाना बनाने लगा तो मेरी नौकरी से छुट्टी। अरे छुट्टी। प्रसाद, देखो ना माँ, मैं कुछ बनाने बोलता बनाता ही नहीं है। इसे खाने से उसका पागलपन और भी बढ़ जाना चाहिए। प्रसाद बाबू, खा लो बाबू, खा लो ना, तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ, वो भी जीवन भैया से छुपा कर। खा लो, खा लो। हैप्पी एनिवर्सरी कंप्यूटर। क्या चाची, आप भी स्वीट खिलाने पर मैं आपको थोड़ी कुछ कहूंगा, बस उसकी तबीयत ना खराब हो इसी का ख्याल रखता हूँ। इकलौता वारिस है, अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ खिलाएंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं। प्रसाद,
क्या हो तुम्हें बच्चे? क्या हो गया? मुझे मरना है मम्मी, मैं अभी मरना चाहता हूँ। पर कोई काली सी दुनिया है जहाँ बहुत सारा थ्रिल है, मुझे वहाँ जाना है मम्मी। अच्छा खासा तो था, पता नहीं अमेरिका से लौटने के बाद इसे क्या हुआ है। देखिए जीवन कुमार जी, आपको हम एक फ्री का सजेशन देते हैं। इस पूरी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आप अगर केयरटेकर बनेंगे तो उनका पागलपन कम होने तक पूरी प्रॉपर्टी सही सलामत रहेगी, समझे? आई हैव टू डाई। इस बॉल में धूल जमा हो गई है, इसे साफ करना पड़ेगा। गन मुझे दे दो, मुझे गन चाहिए। लीव मी, लीव मी, आई हैव टू डाई, छोड़ दो मुझे। सुनिए प्रसाद बाबू, छोड़ दो, तो पहले गोली मुझ पर चलाओ। अच्छा लेकिन क्यों? अच्छे इंसानों का मरना बुरी बात होती है, तुम मुझे मार दो फिर तुम बुरे इंसान बन जाओगे, तब तुम मर सकते हो। लेकिन तुमने तो कोई गलती नहीं की, तो तुम क्यों मरना चाहती हो? तुमने क्या गलती की है जो तुम मरना चाहते हो? करेक्ट करेक्ट, बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। एक वादा करो। कैसा वादा? मुझे मारने से पहले तुम भी नहीं मर सकते, तो गलत गलत में सब सही सही हो जाएगा। ओके, सो आई पोस्टपोन माय डेथ। हमारे प्यारे प्रसाद बाबू, चलो हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं। आओ, यहाँ हो क्या रहा है? दूर के रिश्तेदार होते हुए भी तुम्हें यहाँ रखा गया है ताकि तुम उनका ख्याल रखो। उनकी हालत जानते हुए भी उनके हाथ में पिस्तौल कैसे लगने दी? क्या चाहती हो? क्या हम उसकी जान लेना चाहते हैं? हमें इतना मत सुनाओ, तुम्हें पता है साफ करने के लिए मैंने निकाला था, छीन कर ले गया हो। ए, तुम यहाँ सिर्फ दूध बेचने आती हो, इसलिए सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, हमारे घर के मामलों में पड़ोगी तो ठीक नहीं होगा, ये याद रखना। आप परेशान मत होइए माँ जी, इन्हें कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा माँ जी, आज का दिन बहुत अशुभ है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किस लिए बेटी? 100 सालों में एक बार आने वाला ये सबसे बुरा दिन है। रावण, दुर्योधन, कुंभकर्ण और कंस सब इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। आज भी कोई शैतान जन्म ना ले ले, सबको इसी बात का डर है। पूजा भजन सब मंदिरों में कल रात से ही शुरू हो गया है। देखना प्रसाद बाबू गलती से भी बाहर ना निकल पाए। माँ जी संभल कर। भोजन चाहिए। खाना। रक्षका, ये जो भूगोल है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अवतार लेने के लिए अमृत पीने वालों ने इस मिट्टी को बनाया, ये मुझे पसंद है। अच्छा। इसलिए इस भूगोल को खत्म करके समुद्र बनेगा लाल खून से, हड्डियों से बनेगा जंगल, शैतानों की दुनिया बना दूंगा इसे। वो देखो, वो आ गया। अच्छा लगा। श्रापित पत्थर निकल चुका है। आने वाले 2 साल 6 दिनों के अंदर उलफ राशि में दक्षिण दिशा में इस धरती से टकराएगा और सबका सर्वनाश हो जाएगा। सूर्य चंद्र एक हो जाएंगे, सारे तारे टूट कर बिखर जाएंगे। देखो वो, देखो वो आ गया, राशि पत्थर आ गया, अपनी दुनिया बनाऊंगा। ये क्या है माँ, क्या है ये सब? इंसान टूट कर बिखर रहा है और तुम सब देख रही हो? ये जरूर किसी शैतान का ही काम है। अगर आपने इस प्रलय को नहीं रोका तो सबका आप पर से विश्वास उठ जाएगा। वो राक्षस कौन है मुझे बताइए, मैं उसका खात्मा करूंगी।
बताइए माँ, मैं खुद उसका गला घोटकर उसे मार दूंगी। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं। ये क्या इंसान आज नरसिम्हा की तरह बात कर रही है? सिंह राशि में जन्मी है ना वो? सिंह राशि में? हाँ, तुम्हारी जो राशि है वही। वो खुद ही उसे मारने की बात कर रही थी? अनजाने में ही सही, पर उसने सच कहा। उस शैतान के विनाश के लिए ही वो जन्मी है। पर अगर विधि साथ ना दे तो वो खुद उस शैतान के हाथों मारी जा सकती है। क्या कहूँ, जीत किसकी होगी ये तो खुद मैं भी नहीं जानती हूँ। आ रहा है इस धरती के विनाश का दिन करीब आ रहा है। बढ़िया है। क्या हुआ, चुपकी हो? भूख लगी है क्या? इस धरती को दूसरी तरफ से खाना शुरू करें? खाने को मारो गोली, धरती को खत्म होते देखने के लिए तुम जीवित रहोगे क्या? जो बोले पसंद नहीं आया। आने वाले तीसरे ग्रहण से ही तुम्हारी आयु खत्म हो सकती है, ऐसा ग्रह कह रहे थे वो मेरे कानों के एंटीना ने कैच किया। बेकार की बकवास मत करो, ग्रहों ने जो कहा उसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ। अर्थ क्या बताऊं? तुम्हें खलास करने के लिए वो सिंह राशि जन्मी है, तुम्हारी नीच की चक्र राशि है, अनिति आदि महाशक्ति के सिंह राशि में जन्मी है। मेरे राशि में तीन ग्रह जुड़ने वाले हैं, उस ग्रहण समय पर सिंह राशि के पास कोई ताकत नहीं रहेगी, उसी समय पर तुम उसको खलास कर सकते हो। उन तीन ग्रहों को जुड़ने से पहले अगर तूने उसको खलास नहीं किया तो शैतान की शपथ उसके हाथों से तेरा विनाश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी करो ना, सासू जी मंदिर से आती ही होंगी। जोर लगाओ, जरा देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, पता नहीं कब पर लोग से धारेगा। प्रसाद बाबू, खास आदिवासियों से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनवा कर लाई हूँ, खा लो। वाओ, ट्राइबल स्वीट्स। चाची, मुझे जो पसंद है वो नौकर नहीं देता, लेकिन आप बना कर दे देते हो। शुक्रिया आपका। चाहिए? हम नहीं खाएंगे। बोलो ना, डायबिटीज है। डॉक्टर? क्या डॉक्टर, हर हफ्ते शहर से आना और फिर चले जाना, आप कहीं शिफ्ट हो जाइए ना। ओके, बट दिस इज नॉट ओके। डॉक्टर, आपका पेट गुब्बारे जैसा फूलता जा रहा है, ब्लास्ट हो जाएगा, बी केयरफुल। डॉक्टर, आपका कोलेस्ट्रॉल जरा बढ़ गया है, ट्रिग्लिसराइड्स लगभग 5000 पार कर चुका होगा, राइट? लगभग कितना ही है? हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं फिर भी समझना मुश्किल होता है। तुमने सिर्फ सिम्टम्स देख करके बता दिया, इनको मेंटल प्रॉब्लम है ऐसा तो मुझे। पता है, बीमारी की वजह पेशेंट खुद होता है और उसका फायदा तुम जैसे डॉक्टर उठाते हैं। डेविल, बाइक। अरे जीवन, प्रसाद। अरे यार, जस्ट अ मिनट। अरे यार, सिर्फ एक राउंड और क्या था, काफी दिन हो गया यार। बात सुनो, अरे रुको, ये कैसा शोर है? प्रसाद बाबू बाइक लेकर निकल गए हैं। रुक जाइए। प्रसाद बाबू, ये क्या? प्रसाद बाबू कहाँ जा रहे थे, वो भी इतनी स्पीड में? आपको ये मोटर बाइक दी किसने? किसी ने भी दी, बाइक स्पीड में चलने के लिए होती है। सिखाइए मत मुझे, आगे कितनी बड़ी खाई है जानते हैं? बहुत खतरा है। खतरा होगा तभी थ्रिल होगा। तेजी से जाकर उस खाई में हाई जंप करूंगा। देखो, मोटरसाइकिल का कोई नट भी निकल गया है। ये नट तो ब्रेक का है। ब्रेक था जो निकल गया? खुद से नहीं निकल सकता, किसी ने निकाला होगा। भाई ने खुद ये बाइक सर्विस करके दी है, ब्रेक कंडीशन में ही था, शायद मेरे स्पीड से निकल गया होगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुकिए, मेरी स्पीड का कोई ब्रेक नहीं। हे मां, उनकी रक्षा करना मां। ला ला ला, ओ माय गॉड, ओ नहीं। I'm sorry, मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चों को इस तरह सड़क पे नहीं घुमाना चाहिए। Let me start again.
ये क्या? अरे बाप रे, कब से चिल्ला रही हूँ आपको सुनाई? अरे राजी, सामने देखो, पूरी सड़क पे कितने सारे मुर्गी और उनके बच्चे हैं। अगर मैं आगे बढ़ा तो वो सारे मर जाएंगे ना? हाँ, आपने सही कहा। उन पर से क्यों जाना? गाड़ी उन पर चलाना तो पाप होगा ना। चलो घर चलते हैं। करेक्ट, गुड आइडिया। चलो घर चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजी, तुम मुझे घर ले जाने वाली थी ना, तो रुक क्यों गई? चलो घर चले। चलो चलो चलो। वाह वाह, आपत्ति घोर विनाश जल्द होने वाला है ना? तुम्हारा विनाश, तुम्हारे विनाश का आखिरी ग्रहण शुरू होने वाला है। वो सिंह राशि वाले को खलास करने के लिए तुम्हारे पास आखिरी अवसर है। नहीं होने दूंगा। क्या फिर? उसके तो तुम्हारा विनाश पक्का है। हो ही नहीं सकता है ऐसा। इस शैतान के विनाश की ताकत उस औरत में है क्या? देखता हूँ वो क्या चीज है, देख लूंगा उसे। ग्रहण से पहले अब मुझे ही कोई मार ढूंढना होगा। नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है। कहाँ है वो? क्या कलयुग आ गया है? कहाँ है? भगवान को छोड़कर भूतों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। यह असंभव है, असंभव। इसलिए जहाँ नजर घुमाओ बस बुरी चीजें नजर आ रही है। तो क्या ये वही अग्नि है जो इस शैतान को भस्म करने वाली है? बाबा, आप कौन हो? मैं वही हूँ बेटी, जो खास तुमसे मिलने आया हूँ। उत्तर भूमि में पैदा होकर सात शहर भूगर्भ में समा जाएंगे बेटी। छह समुद्रों के पार, बर्फ के पहाड़ के पिघलने से एक महाद्वीप जलमग्न हो जाएगा। इस विश्व में जानलेवा एक रोग पैदा होगा, यही प्रचार। मैं तुम्हारी इस दुनिया में करता हुआ घूम रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो सब होते हुए आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये विनाश पहले मेरी आंखों में दिखते हैं, उसके बाद धरती पर होते हैं। आप तो कोई बहुत पहुँचे हुए योगी लगते हैं बाबा। आप तो अपने चेहरे पर कोई तेज लिए घूम रहे हैं बाबा। आपके गले से कोई उद्घोष सुनाई दे रहा है। आपकी आंखें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आपके और मेरे जन्म के पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा है बाबा। आज से चार जन्म पहले मैं तुम्हारा पिता था और तुम मेरी पुत्री थी। वही रिश्ता मुझे कंचन पर्वत से तुम्हारे पास यहाँ तक लेकर आया है। आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहिएगा, चलोगे ना बाबा? हम दोनों का अब साथ जीने वाला जन्म नहीं है। अनहोनी होने से एक दूसरे को बचाए ऐसा रिश्ता है। तुम पर कोई भी आपदा आए वो मुझे पहले पता चल जाता है। चेतावनी देता रहूंगा चाहे मानो या ना मानो। जैसे कि आज रात के ग्रहण दोष से बचना होगा। कुछ समझ नहीं आया, पहेलियों में बातें करते हो, घर बुला रही हूँ तो मना करते हो। चलो कोई बात नहीं, बंजारों की तरह घूम कर थक गए होगे, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लो। पिलाओ पुत्री। लीजिए बाबा। इन सभी दुष्कर्मों के पीछे जरूर किसी शैतान का ही हाथ है, लेकिन उस शैतान को मेरी देवी माता जरूर खत्म कर देंगी, और अगर नहीं किया तो मैं ही मार डालूंगी। कभी कभी आते रहना बाबा। जरूर आऊंगा। चलती हूँ। Thank you.
दो उसे। शैतान की जय हो, जय हो। दुर्गा हूँ। मेरा नाम दुर्गा है। ओह, मैं लोगों के मैले कपड़े धोती हूँ। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी और अलग अलग गांव में पली बढ़ी। गांव गांव से बड़े बुजुर्ग इस गांव की पूजा में आने वाले हैं, इसलिए मैं भी आई हूँ। आने वाले तीसरे ग्रहण के पूरे होने तक मैं यहीं रहूंगी। एक और बात, उस बड़े घर के लड़के को सबने मिलकर पागल बना दिया है। उसके अपने रिश्तेदार उसे जान से मारना चाहते हैं। उसे कोई संभालने वाला नहीं है। इतना धनी होकर भी बिल्कुल बेसहारा है, बेचारा। वही तो, उसका क्या होगा ये सोचकर डर लगता है मुझे। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। इस काल में पत्नी का सौभाग्य ही पति की रक्षा करता है। उसके लिए जल्दी पत्नी ले आओ जो मुसीबत में उसका साथ दे। तुरंत उसके लिए जोड़ीदार ढूंढना शुरू कर दो। विचार तो अच्छे हैं, लेकिन क्या वो राजी होगा बेटी? खोपड़े की चटनी हो या खोपड़े की, आज तीखा भजिया खाने का मेरा मन है तो मैं वही बनाऊंगा। ए, ए, ए। देखो ना, जो भी बोलता हूँ बनाता ही नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर तुम्हें प्यार से खिलाने वाली वो तुम्हारी बीवी है? जवाब दीजिए ना। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, स्वीट्स तो बाजार से भी खरीद सकते हैं ना, उसके लिए पत्नी क्यों चाहिए? तो फिर तुम्हें सही गलत बताने के लिए कौन है? तुम हो। और माँ जी का ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। और तुम्हें पापा बनाने के लिए तुम हो। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, अगर तुम हाँ कह दो तो तुम्हें महारानी जैसी पत्नी मिलेगी और फिर प्यारे प्यारे बच्चे भी। वो मेरे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रसमलाई बनाएगी ना? चलिए। लड़की देखने के लिए हमें आपके घर पे आना चाहिए था, लेकिन आपको कष्ट उठाना पड़ा। कोई बात नहीं। शादी की पार्टी फुल एंटरटेनिंग है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाय। हाय। लड़की पसंद आई? देखो देखो ना, कितनी प्यारी है ना। आप क्या मैथ्स में वीक हो? आपको कैसे पता? ऐसे सर्दियों के मौसम में भी इतने पसीने छूट रहे हैं तो ये मैथ्स के वीक स्टूडेंट्स की निशानी है। That's good. उसकी राय पूछ कर आती हूँ। तुम्हें तो पसंद है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? मुंह खोलो। आपको मुबारक हो, मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा करो, इतनी सुंदर पत्नी जो मिली है। मैंने उससे
से पूछा, उसे तुम बहुत पसंद हो, उसने तो हाँ कर दी है, हम भी हाँ कह दी। मैंने बोला क्या? मैंने हाँ बोला क्या? रुको, ये कैसा कंफ्यूजन है, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? बेटा, प्रसाद बेटा, क्या हो रहा है तुझे? ये कैसी हरकतें कर रहा है, क्या हुआ है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मेरे बेटे को थोड़ा सा चक्कर आ गया, इसलिए वो ऐसी बातें बोल गया। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी पागल को देख लिया हो। तुम बीमार नहीं पड़ते पर क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ए, तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तुझे बुलाया क्या? मैंने तुझे बुलाया क्या? मम्मी, आप लोग मेरी बात मानिए, ऐसे मत जाइए। वो बहुत होशियार है और काफी अच्छे इंसान भी। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत जाइए। इन्हें उसकी बीमारी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अब देखो कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जो हो गया वो काफी है। उस पागल के लिए बेहतर होगा कि अब कोई रिश्ता लेकर मत आना। हमें क्षमा कर दीजिए, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वो पागल नहीं है, उन्हें पागल आपने आप लोगों ने मिलकर बनाया है। क्या बकवास कर रही है? ए, जीवन रुक जाओ, औरतों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। यू आर रॉन्ग। अब तू मुझे बताएगा कि राइट या रॉन्ग क्या है? तुझ जैसे पागल में इतनी अकल है क्या? कंट्रोल योरसेल्फ, राजी को सॉरी बोलो। ए, मारो मत। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, ऐसा मारते रहते हो। रुक जाओ, दो रहा है, मत मारियो ना। मारो, मुझसे कहता है सॉरी बोलो, मुझसे। अपनी औकात में रहा कर, वरना याद रख चमड़ी उधेड़ दूंगा। दर्द हो रहा है राजी। आप बुरा मत मानिए, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहाँ आप और कहाँ वो, जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। जम सकती थी, मेरी गलती है राजी। स्वीट देखते मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। मैं जब जब स्वीट्स खाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा होने लगता है, शैतान जैसा बन जाता हूँ। ये सारी चीजें पागल बना देंगी मुझे। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान रास्ते में भटक गया हूँ। ऐसा लगता है कोई तो धरती का अंत करने आ रहा है। प्रसाद के लिए आए हुए रिश्ते को तो हमने बिगाड़ दिया, पर पता नहीं ये रिश्ता हमारी नजरों से कैसे बच गया। बेटे राजी, बेटे राजी। क्या हुआ बंसी चाचा? उस चौकीदार को देवी आई है, उसका शरीर जल रहा है। तुम आकर पूजा करके जब तक माता को शांत नहीं करती वो ठीक नहीं होगा। तुम जल्दी आओ। आप चलिए, मैं आती हूँ। अपनी आँखों से देखो क्या हो गया। मना करने के बाद भी इन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, इसलिए हो सकता है माता नाराज हो गयी। सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए, इस औरत का साया हमारे घर पर पड़ा तो मेरा भतीजा बीमार पड़ गया। यहाँ ऐसा नीच काम हो रहा है और आप सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। शोर क्यों मचाती हो, क्या हो गया? क्या हो गया? वो राजेश्वरी उस चौकीदार के साथ मुँह काला कर रही है। अपने अपवित्र हाथों से आपको दूध देती है, हमें दूध देती है, माता को भी दूध देती है। ऐसा चलता रहेगा तो माता रुष्ट नहीं होगी। अच्छा, दोनों अंदर है, चाहे तो देख लो। दरवाजा खोलो। लगता है मैं पकड़ गया, आप सबको पता चल गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसी ने कहा था कि हम लोग चोरी छिपे मिलते रहेंगे। सच में? मैंने ये भूल अपनी मर्जी से नहीं की है। देखिए, मुझे सजा मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्या मांग रहा है तू? इसे सजा मिलेगी। आज इन दोनों की शादी करवा कर इन दोनों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो और दोबारा गांव में आने की इजाजत मत देना। है? जाके गाँव के पंडित को बुलाओ, मंगल सूत्र मंगवाओ, उसे नींद से जगाओ। उठ रहे, उठ। रुको रुको रुको, अब ये कौन है? रुको तो सही, ऐसी भी क्या जल्दबाजी, थोड़ा सा धीरज रखो। इस तरह फैसला थोड़े ना होगा। कुछ भी फैसला करने से पहले सच क्या है इसे बोलने तो दो। चल बता, तेरे और राजेश्वरी के बीच कोई संबंध है? हाँ है। शारीरिक संबंध? हाँ है। क्यों? मेरी आंखों में देखकर बोल। उसके साथ मेरा संबंध बहुत दिनों से है। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इन दोनों औरतों ने मुझे पैसे देकर ये सब करने के लिए कहा था, उस पर ये घिनौना कलंक लगाने के लिए कहा था, उसके साथ शादी करके गांव से बाहर जाने के लिए कहा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो गंगा की तरफ पवित्र है, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं है, मैंने तो उसकी परछाई तक को हाथ नहीं लगाया है। मुझे माफ कीजिए। दुर्गा माँ, ये कैसा शोर है? उस चौकीदार पर माँ का गुस्सा शांत हो गया क्या? वो ठीक हो गया?
उस पर जो देवी आई थी वो शांत हो गई। बहुत देर हो गई है, अब तू घर चली जा राजी, जा। जैसी करनी वैसी भरनी, अब मजा आएगा। धोखेबाज कहीं का। हाँ, पैसे लेकर उसने हमें धोखा दिया। कहीं मिल जाए तो छोड़ूंगी नहीं उसे। ए, हमें देखकर इतना डर क्यों रहे हो? लग रहा है जैसे भूत देख लिया। ये लोग भी ना। घबराइए मत माँ जी, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दिन में 3 बार धूप लगवाइएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ। सुनो, उन दोनों ने तुम्हें इतना परेशान किया था, उनकी बीमारी कम करने के लिए तुमने माता का गाना क्यों गाया? अरे वो बीमारी नहीं है, हमारी माता है। हमारे साथ जो बुरा करते हैं उनके साथ भी हमें अच्छा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बाद की पीढ़ियाँ हमारी पहले की पीढ़ियों से भी ज्यादा खुश रहेंगी। सच? हाँ। मतलब बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। तो मैं अच्छा तो हूँ ना? हाँ हो, क्यों? तो इस अच्छे इंसान की खुशी के लिए मदद करोगी? पूरी कोशिश करूँगी। बताओ क्या करना है? करोगी? करूँगी। बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी राजी? ए, तुम कहाँ जा रही हो? बिना जवाब दिए ऐसे चली गई, ऐसे कैसे? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? बैड बिहेवियर राजेश्वरी, जो मेरे मन में था उसने कह दिया। अगर तुम उससे शादी करोगी, मुझे भरोसा है वो पहले की तरह ठीक हो जाएगा। देखिए माँ जी, आपके घर की नौकरानी बनने के लिए बोली है, जिंदगी भर बन के रहूंगी, लेकिन इस महल की रानी बनने की हैसियत मेरी नहीं है माँ जी, मुझे माफ कीजिए। रुको राजी, उनके मन की बात मैंने सुनी और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये शादी वाली बात भी तो तुमने ही शुरू की थी ना? इतने बड़े घर के इतने बड़े रिश्ते को तुम ना कहकर आई हो, वो तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? चुप रहो दुर्गा माँ, तुम घर घर जाकर लोगों के गंदे कपड़े धोती हो और मैं घर घर जाकर दूध बेचती हूँ, तो क्या वो सारे घर हमारे हो जाएंगे या क्या हम उस घर का हिस्सा बन जाएंगे? तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। हमारे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी किस्मत में एक बार जिसका नाम लिख देते हैं, फिर वो स्वयं भी नहीं मिटा सकते। राजेश्वरी कितना भी मना कर ले, वो माता उसे मनवा कर ही रहेगी। एक ग्रहण तो हाथ से निकल गया, दूसरा ग्रहण होने से पहले ही वो सिंह राशि की लड़की के गले में मंगलसूत्र पड़ गया तो वो सुमंगली नहीं होगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी से पहले ही मैं बर्बादी मचा दूंगा। कैसे? इंसान अंधविश्वासी होता है, उन्हें भटकाना मुश्किल नहीं। आओ बाबा। गाय जो दूध देती है, तुम उसे बांट कर लोगों का ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हारा ख्याल कौन रखता है बेटी? मेरी देखभाल करने के लिए मेरी देवी माता हमेशा मेरे साथ रहती हैं, वही काफी हैं। तुम्हारे बारे में एक और है जो सोचता है। वो कौन? वो बड़े घर का बेटा। तुम पूरी जिंदगी उसके साथ बिताओ, इसीलिए उसने शादी का प्रस्ताव रखा है ना? आपको कैसे पता बाबा? पता है मुझे, वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी मुझसे पूछने के बाद ही किस्मत लिखते हैं। इस पत्र में लिखा है, तुम्हारा विवाह अगर उसके साथ हुआ तो उसका पागलपन ठीक हो जाएगा और वो हंसी खुशी जिंदगी बिताएगा, ऐसा भगवान ने खुद लिखा है। सच में? हाँ, लेकिन फिर ये पत्र देखकर मैं चौंक गया। ऐसा क्यों? विवाह के बाद उसकी जिंदगी अशांत हो जाएगी और वो मौत के मुंह में चला जाएगा, तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा, ऐसा लिखा है। एक पत्र में तो शुभ लिखा और दूसरे ही पत्र में कितना अशुभ लिख दिया है तुम्हारे उस भगवान ने। तुम्हारी वजह से उसके घर वालों की खुशी हमेशा हमेशा के लिए ना लूट जाए और ना ही बर्बाद हो जाए। जैसे ही मुझे पता चला, मैं तुम्हारे पास चला आया। कहो तो मैं तुम्हारे विवाह के बारे में उस पेड़ को बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है। प्रसाद और राजेश्वरी की शादी। देखी ना क्या हो गया? जैसा मैंने कहा था,
तुमसे विवाह करने के बाद उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना। नहीं नहीं बाबा, मैंने इस शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन उसने तो सोचा ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमसे शादी करके ही रहेगा। उसकी मौत का कारण तुम ही बनोगी, तुम्हारा मंगलसूत्र उसके गले का फंदा बनेगा। क्या यार राजी, कितनी इम्पोर्टेंट बात पूछी थी मैंने, तुम बिना जवाब दिए ही आ गई। वेरी बैड, वेरी बैड। तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने घर में गुलाम बनाकर रखने के लिए नहीं, एक अच्छी सी दोस्त बनाकर मेरे साथ जिंदगी भर रखने के लिए। क्या ये ख्वाहिश रखना बुरी बात है? बोलो, जवाब सुने बिना जाऊंगा नहीं। तो शादी करके रहोगे? आप बड़े लोग हो तो जो भी कहोगे मुझे उसके लिए हाँ ही कहना होगा क्या? आपके लिए पैसा सब कुछ है तो हमारे लिए हमारी इज्जत। ओके, तो मैं भी यहीं आकर तुम्हारे साथ ही रह जाता हूँ, गाय का गोबर उठाऊंगा, उठा नहीं पाया तो दूध दूना सीख जाऊंगा, तब कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। ओके ना? ओके ना? ओके? अपनी हद में रहिए। एक लड़की बिना सुहागन बने जी सकती है, लेकिन लेकिन एक पागल से शादी नहीं कर सकती है। अब मैं तुमसे शादी करूंगी क्यों? ना तुम कभी मेरी पसंद थे ना हो सकते हो, मुझे क्या खुशी मिलेगी तुमसे शादी करके? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ओके ओके ओके, ठीक है। लेकिन राजी, अभी तक सभी ने मुझे पागल ठहराया, बस माँ और तुम्हारे अलावा। मेरी माँ की बात कुछ और है, दिल में भले पागल समझे पर सामने नहीं बोलेगी, उसका बेटा जो हूँ इसलिए बहुत प्यारा हूँ। लेकिन न मजाक में ना ही गुस्से में तुमने कभी ये बात नहीं कही, पर आज तुमने भी ये बोल दिया, सो 100% मैं पागल हूँ। श्योर, पर एक बात मैं कहूंगा, पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर ऐसा मैंने कहा तो वो पैसे वाला हूँ इस घमंड में नहीं कहा। सॉरी, मैं तो पागल हूँ। क्या मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ। मेरे साथ कौन रहना चाहेगा? प्रसाद और राजेश्वरी की शादी। माता, मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, आप ही तो मेरा परिवार है, इसीलिए अपने दिल की बात बता रही हूँ। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, उनके साथ जीने की खुशी शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं उनकी मौत की वजह बन सकती हूँ, ये जानकर उनके साथ शादी के लिए हाँ कैसे बोलूँ? मेरा दिल और दिमाग सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है, पर हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं जुड़ना चाहिए। इस पूरी दुनिया की रक्षा तो आप करती हो ना, तो उन्हें भी कुछ ना हो, आपको मेरी कसम। अब जाकर हमें से छुटकारा मिला। हमें कुछ नहीं पता, चलिए। आप बड़ी माता और छोटी माताएं सुनो, माँ के पेट से नहीं निकला है ये ढोंगी बाबा, माँ के पेट को चीर कर जीवन हासिल किया है मैंने। इस चींटी जैसी लड़की के लिए 3 ग्रहण का समय किसे चाहिए? 2 ग्रहण पूरा होने से पहले ही मैंने इस सिंह राशि वाली को पानी में डुबा दिया। मुझे मजा आया, बहुत मजा आया, पसंद आया मुझे। ये सब क्या हो गया? ये घर में लंका की तरह आग किसने लगा दी? इस पेटी में क्या है? कुछ सेवर और छुट्टे पैसे हैं। अरे मेरा कच्चा जल गया। ईका, आपको घर सुरक्षित रखने को कहा था, आपने आग लगा दी। हमने नहीं लगाया, अपने आप लग गई। तूने आग लगाई है क्या? मैं तो राजी को ठिकाने लगाने गया था, फिर मैं आग कैसे लगा सकता हूँ? मेरा बेटा अंदर रह गया, मुझे छोड़ो। बेटा, बेटा बाहर आ जा। ये पागल बाहर नहीं आएगा। जाने दे, घर के साथ साथ उसे भी जलकर खाक हो जाने दे। कोई नहीं रोक सकता। हाँ? 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 प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू, क्या तक जिंदा है? क्यों रे? इसे तो कुंड में डाला था, ये यहाँ कैसे आ गई? चलो देखते हैं। पता नहीं कैसे डाल दिया, कैसे मार दिया, कोनो बात समझ में नहीं आ रही। उसे तो बेहोश करके कुंड में डाला था, वो जिंदा कैसे बच सकती है? आजा आजा, देखते देखे तो समझ में नहीं आ रहा। किसी ने उसकी जान तो नहीं बचा ली? जहाज देखिए क्या, चलकर देखते हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख देखते। कुछ दिखा क्या?
जीत गई हो सोचकर विश्व रूप में आई हो। उस लड़के को कुछ ना हो, इस बात का वचन राजेश्वरी ने तुमसे लिया था ना। हाँ? दुनिया की रक्षा आप करती हो ना, तो उन्हें भी कुछ ना हो, आपको मेरी कसम। तो अब मेरे कहर से कैसे बचाओगी उसे? हाँ? कसम तोड़ने वाले कैसे भगवान हो तुम? छी, नहीं, तुम भगवान नहीं हो। तूने मेरी दैवीय शक्ति अब तक देखी ही कहाँ है शैतान? तुझे लगता है तू उसे मार डालेगा? तू गलत है। तेरे विनाश के लिए मैंने राजेश्वरी का अवतार लिया है। मेरा विनाश करोगी? तू मेरा विनाश करोगी? अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम भगवान नहीं हो, किंतु मैं हूँ शैतानों का राजा। तुम्हें अगर अपने प्राण चाहिए तो मेरे पैर छुओ। अंतिम अवसर देता हूँ, क्या कहती हो? आ जाओ, तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, भस्म कर दूंगा। मैं शैतान हूँ, शैतान। ये क्या ओंकार महाकाल बलि बलि। एक और ग्रहण है, आखिरी ग्रहण, नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे, ये घर में गाय कौन ले आया? हाँ? प्रसाद बाबू, अब इस घर में जानवर भी रहेंगे क्या? हाँ? घर में हवन करवाकर सफाई कराकर रंगोली बनाई है ना मैंने, इसीलिए गाय को आंगन में बुलाकर नई जोड़ी का घर में गृह प्रवेश करवा रही हूँ। आइए आरती उतारिए, मुझे आरती करना पसंद नहीं है। मुझे और भी काम है। आप जरा यही रुकिए। तुम दोनों की आरती एक साथ उतारनी चाहिए बेटी। हम दोनों दो जिस्म एक जान है माँ जी, तो क्या फर्क पड़ता है एक की आरती करें या दोनों की? अंदर चले। जो भी हो, इसके जैसे जंगली जानवर घर के अंदर नहीं, घर के पिछवाड़े में होने चाहिए। अरे तो हम आ गए। इन लोगों की सही जगह। चलो राजी, हम अंदर चलते हैं। चलो जरा देखो तो, ढंग का खाना भी नहीं मिलता। इसे अपना घर समझा था, वो भी गया हाथ से। अब हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, कहीं और चलते हैं। क्या चाची, तुम भी इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान हो जाती हो? तब तो हमारे सामने एक ही गोल था, अब तो हमारे सामने दो गोल्स हैं। अरे एक ही किक से दोनों गोल मारूंगा। गोल मारो या ना मारो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तेरा कौन सा हिस्सा है रे? क्या, क्यों रे? उसे मारने गया था और तू खुद गायब हो गया। ओंड के पास था, जरूर पी कर पड़ा होगा। वो सब छोड़ो, मेरा हिस्सा दो। सुन, मैं अपनी ड्रिंक खत्म कर लूँ उससे पहले, बेहतर होगा तू यहाँ से चला जाए। कम से कम मुझे खाना तो दो। हाँ? उन मुर्गियों ने जो अंडे दिए थे वो उबाल के रखे हैं, जा कर ठूस ले। नहीं, उससे मेरा पेट नहीं भरेगा। तो फिर तुझे बकरा चाहिए क्या? बकरा नहीं, इंसान का गोश्त। हाँ। जरा रुको, कहाँ ले जा रहे हो इसे? आज हमारी सुहागरात है ना, तो मैं ये सारे गहने अपनी बीवी को तोहफे में देने वाला हूँ। मैं चलता हूँ। तुम उसे गहने दोगे और वो लेकर भाग गई तो लोगों को जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना। जाओ इसे अंदर ले जाओ। हाँ, अगर तुम अपनी पत्नी को कुछ भी देना चाहो तो सबसे पहले तुम्हें इनसे परमिशन लेनी होगी। प्रसाद बाबू, गहने देने में इतनी जल्दबाजी मत करो, शिवरात्रि के दिन दे देना, आराम से पहनकर घूम भी सकती है, ठीक है ना? नहीं, आज ही दूंगा उसे, और सिर्फ गहने नहीं, घर की चाबियां और सारी जिम्मेदारी भी उसे ही दूंगा। रुको, क्या देगा रे? छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन। मैं कहता हूँ छोड़िए ना। मेरी छड़ी तो दो, मेरी बात नहीं मान रहा तू? नीचे करो, छड़ी नीचे करो। उस दिन जब सबके सामने आपने इन पर हाथ उठाया, तब आपको रोकने का मुझे कोई हक नहीं था, लेकिन आज इनकी बीवी की हैसियत से कह रही हूँ, छड़ी नीचे करो। तू मुझे हुक्म देगी तेरी तो? ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? ये मेरी धर्म पत्नी है। तो क्या? नो वायलेंस, इसे मारोगे तो हाथ तोड़ दूंगा। मुझे धमकी दे।
बीवी को मारेगा, खुद पे हाथ उठाएगा, बीवी को मारेगा। बहुत हो गया तेरा, बहुत सहन नहीं करूंगा। अरे बाप रे, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, भाग लो यहाँ से। अरे आपको कितनी चोट लगी है? मार डालूंगा। बस करो, अब और मत पास। बहुत हुआ, ये कैसा पागलपन है? ये पागलपन नहीं, दीवानापन है। मेरी बीवी के लिए दीवानापन। आगे से कभी राजी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो वो हाथ ही नहीं रहेगा, तोड़ दूंगा, याद रखना। ऐसे क्या घूर कर देख रहा है? तो और क्या करूं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तेरी जान को, तेरी मोहब्बत को, तेरे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना था सांप को अगर दूध पिलाओगे तो वो आपको डस सकता है, लेकिन अब से लोग कहेंगे अगर पेड़ को पानी दोगे तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पानी देते वक्त आसपास भी देखना चाहिए। सारी बेलों को तोड़ दिया, देखा तुमने बेचारे कैसे टूट गए। सॉरी यार, गलती राजी की है। किस सोच में पड़ गई हो बेटी? बुरे हालात के लिए अगर खुद को जिम्मेदार ठहराओगी तो इस समाज की बुराई को हमेशा सहना होगा। नहीं 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 नहीं, हम नहीं सहेंगे। हम जितना सहेंगे उतना ही जुल्म बढ़ता जाएगा। हाँ, बहुत पानी दे दिया तुमने, चलो अंदर चलते हैं। तुम गई नहीं? देखो बेटी, वो क्या है ना, एकादशी को आने वाले हमारे लोग द्वादशी तक भी नहीं आए, मैं तो अकेली रह गई। तुमने मुझे घर में रहने दिया, खाना दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस चली आई। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सारे काम मैं अकेली ही संभाल सकती हूँ। काम करने की जरूरत नहीं है, चलो हम जाकर खाना खाते हैं। अरे देखा, कपड़े धोने वाले धोबी कार छोड़कर अब घर में आ गए हैं। पता नहीं अब हम कहाँ जाएं। तुम देख रही हो ना माँ, ये नीच जाति के लोगों को घर में घुसा रही है, बाकी सब इसकी तारीफ करे इसीलिए। दूसरों की गंदगी धोकर उनको साफ करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले नीच जाति के नहीं होते, गंदी सोच रखने वाले ही नीच जाति के होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं क्या? आज मंगलवार है, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तीसरा ग्रहण होने तक मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। ऐसे क्या सोच रहे हो? लगन नहीं होगा सोचा था, लेकिन हो गया। अब क्या सोच रहे हो कि संतान भी नहीं होगी? बोलो मत, राशि बल से ग्रहण बल ज्यादा ताकतवर है भाऊ। संतान वो तो नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। राजेश्वरी, आज श्रवण नक्षत्र का दिन है, तुम देवियों की बेटी जैसी हो। अगर हमें हल्दी कुमकुम लगाओगी तो हमारा सुहाग हमेशा बना रहेगा। आप भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरी मंगलसूत्र पर हल्दी कुमकुम लगाइए। अरे बाप रे, बच गया। इस नक्षत्र में मंगलसूत्र का टूटना बहुत अशुभ होता है। माता से क्षमा याचना कर लो बेटी, अगर कोई भूल हो गई होगी तो वो माफ कर देगी। अरे बाप रे, हे भगवान। बेटी, इस बाबा की दूरदृष्टि की बातों को तुमने नजरअंदाज कर दिया। अपनी खुशहाल जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया।
मैं देख सकता हूँ अपनी आंखों से, तुम्हारा पति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। घोर अनर्थ। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ चारों तरफ अशुभ हो रहा है। आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब इस पुत्री को ये बाबा राह नहीं दिखाएगा तो और कौन दिखाएगा? आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूँ, बिना सवाल किए मेरे साथ चलो, पीछे नहीं मुड़ना। तुम्हारी शादी के दोष को दूर करने का रास्ता मैं दिखाऊंगा, तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ जरूर बाबा, चलिए। अच्छा है, तुम मेरे पीछे आओ। शुद्र ही नगरी नागा रूपा मांगल्य कंठ बंद दोषा परिहारे नाग मगरा नाग मगरे। पुत्री, ये काल कुठा को पूजने वाले नाग मगर हैं। नाग का जहर और मगर की क्रूरता है इनमें। पाताल नाग का सामना करने वाले नाग मगर हैं ये। तुम्हें साहस करके इस कुंड में उतर कर स्नान करना होगा पुत्री। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हें अपने पति से बहुत प्यार है, तब ये तुम्हारे पति को जीवन दान दे देंगे। तुम दोनों के बीच के प्यार को देखकर तुम दोनों को विमुक्त कर देंगे ये नाग मगर। तुम इस कुंड में उतरने को तैयार हो? नाग मगर के बीच स्नान कर सकती हो क्या? और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें साहस करके आगे बढ़ना हो। तुम दोनों का दोष पल पल बढ़ रहा है। जाओ बेटी, जाओ, बस यही एक चाह। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। नाग मगरा नाग मगरे। अरे बाप रे, अरे माते, बड़ी माते, सुनो बड़ी माते, मुझे पता था कुंड में पड़ने वाले चरण तुम्हारे थे, मैं जानता था। पुत्री को बचाने आई माते को मैंने ही जाल में फंसा लिया। अब तुम क्या करोगी? तुम्हें इस तरह से जाल में फंसा देखकर मैं बहुत खुश हूं माते। अब मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश्वरी का रूप लेकर तुम इस कुंड में उतरी तो हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति से इस कुंड का पानी सूख गया और नाग मगर निर्जीव हो गए। इन नाग मगरों की हत्या राजेश्वरी के रूप में हुई थी, इसलिए दोष भी उसी को जाकर लगेगा। तुम्हारा और श्राप उस राजेश्वरी को लगेगा। अब बताओ तुम क्या करोगी? 24 घंटों के अंदर उसका सुहाग उससे दूर हो जाएगा। नाग मगर के दोष से उसका पति मर जाएगा। तुम तो देवी हो ना, इससे भी बचने का रास्ता तुम्हें पता होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं एक शुद्र मंत्र से जकड़ रहा हूँ।
अगर ये सारी बातें तुमने किसी से कही तो तुम्हारे ही सामने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे संतान नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं होने दूंगा, होने भी नहीं दूंगा। होने भी नहीं दूंगा। कितने प्लैनेट्स हैं? क्या कर रही हो दुर्गा माँ? लक्ष्मण रेखा क्यों बना रही हो? ये तो ऐसा होना चाहिए। सही वक्त आने पर बताऊंगी। लेकिन सिर्फ हमारे कमरे के आसपास ही क्यों? ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, भगवान शिव की विभूति से रक्षा चक्र बना रही हूँ। वो क्यों? कल रात एक बहुत ही अजीब बात हुई थी, मैंने एक बुरा सपना देखा। कल सुबह की पहली किरण गिरने से पहले मेरा पति इस रेखा से बाहर नहीं आए और ना ही कोई अंदर जाए, सिवाय तेरे बेटे। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे मेरी दुर्गा माँ, सपने कभी सच होते हैं भला? फिर भी जैसा तुम कहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब चलूँ, माता की पूजा करनी है। सोलार इक्लिप्स कब होता है? चलो देखते हैं। हे, अरे मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, बस हवा खाने। अरे रे रुको, तुम भी चलो ना। आज का दिन ठीक नहीं, कल चलते हैं, अंदर चलो। बहुत बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये फल खाते खाते इंटरनेट से मेरे लिए रोमांटिक गाने डाउनलोड कीजिए। अभी डाउनलोड करता हूँ। लेकिन इस कमरे से बाहर मत निकलना। शोर कैसा है? क्या हुआ? बेटा, क्या हो रहा है? बेटा, क्या हो रहा है? अगर ये सारी बातें तुमने किसी से बताई तो तुम्हारे सामने उसका सर फटकर चूर चूर हो जाएगा। आदिशक्ति महाशक्ति, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शक्ति अब किसी बात से डरना नहीं, आपके डरने से भूमि झुक रही है। प्रेत ने जो सीमा बांधी है वो बड़ी माता के लिए, छोटी माताओं के लिए नहीं है। पागल प्रेत आत्मा, बड़ी माताओं के लिए तो सीमा बांधी, लेकिन छोटी माताओं को तुम्हें भी सर ला। अगर आपकी जगह हम राजेश्वरी की मदद करें तो माता, तुम्हें अपना सिंदूर बचाना है तो सच्चे मन से पूजा करो। इस दोष के हिसाब से तुम्हारे पति की जान जाने की संभावना दशमी तक ही रहेगी, यही बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अपने कंधे पर कलश रखकर कल सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले नाग माता का व्रत शुरू कर देना। तुम्हें इसमें दूध पिलाकर नाग माता को खुश रखना होगा और अग्नि कुंड की परिक्रमा करनी होगी। नाग माता के सामने ऐसा करने से इस दोष का निवारण होगा। अगर ये व्रत बीच में रुका तो उसी पल तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। भूलना मत। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे इन चारों ने कहा वो व्रत उसी हिसाब से करना। ठीक है दुर्गा माँ। ए, इस बड़ी माता के साथ ये छोटी माताएं भी हैं। हम करवाएंगे उससे व्रत। इस नाग मगर के दोष से उसके प्राण खत्म हो जाने चाहिए। कितनी गलत माफी होती है। अरे बाबू, इस पूजा से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं ये व्रत नहीं होने दूंगा। कितनी बार कहूँ तुमसे, बच्ची इतना बड़ा व्रत कर रही है, घर में कहीं भी गंदगी नहीं नजर आनी चाहिए। अगर हमारे समय में होता तो बाकी लोगों को घर से बाहर निकाल देते। जाओ अंदर जाओ, बाहर मत आना। मेरे ऊपर क्या छिड़क रहा है? जाओ जाकर उसके ऊपर छिड़क।
रुको बेटी, कितनी श्रद्धा से व्रत कर रही हो, वो भी नाग माता का व्रत। बहुत संभाल के रहना पड़ता है। मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं धूप बत्ती कर देती हूँ, घर शुद्ध हो जाएगा। तू माता का ध्यान कर ले, चलो चलो। हे माता, सबका ख्याल रखना, सबकी रक्षा करना, हमारी बेटी की भी रक्षा करना। तू तो सबकी रक्षा करती है। हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो, हमारी हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। इसी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। नहीं, यही पड़े रहने दो। सास और पति जब आएंगे तब इसे देखकर कोसेंगे, क्योंकि व्रत बीच में ही टूट गया। आने दो ने तब पता चलेगा। व्रत का नाटक करती है। आज आपके हाथों से अमृत पीने का सौभाग्य मिला, इससे आज हमारी नाग जाति धन्य हो गई। तुम्हारे पति और सास को क्या होगा, मैंने भी सोचा नहीं था। आपको पता है ना माँ, मुझे इन सब पर भरोसा। पूरा होने से मेरे मन को शांति मिली। लेकिन ये सब देखने के बाद। ये क्या बेटी? राजी, क्या हुआ इसे? पता नहीं। बेटी, राजी, क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? यहाँ आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी और हम देखते रह गए, बस कुछ न कर पाए। पता नहीं क्या गलती की इसने, क्या करे, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका तीसरे दिन का व्रत पूरा नहीं हुआ। हम डर गए थे कि देवर जी का क्या होगा। अगर व्रत अधूरा छोड़ना था तो शुरू ही क्यों किया। पता नहीं अब क्या होगा। तो इसने पूरा किया, हमारे सामने ही इसने अग्निकुंड की परिक्रमा की। पता नहीं ये घर कब आई। राजी बेटी, बेटी राजी, ये माता थी। हाँ, ये वहीं पर थी। अब देखो यहाँ पर कैसे बेहोश पड़ी हुई है। राजी, हे राजी, 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 आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो? ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? तीन दिन से उपवास रखा था, ऊपर से अग्निकुंड, इसीलिए चक्कर आ गई। मैं और वहाँ तुम वही तो थी। नाग माता तुमसे बहुत खुश है, तुम्हारे पति के दोष का निवारण हो गया। अरे ये चक्कर व्रत रखने के कारण नहीं आया, यहाँ तो कुछ और चक्कर है बेटी। मतलब? मतलब तुम माँ बनने वाली हो। अरे बाप रे, और तुम पापा बनने वाले हो। ए, पापा बनने वाला हूँ। तू उसका सुहाग उजाड़ने वाला था, वो तो माँ बनने वाली है रे। नहीं, सोचा था माँ को खत्म कर दोगे, इधर तो बच्चा भी जन्म ले रहा है। अगर ये नया जीवन कहीं सिंह राशि में सम्मिलित हो गया तो बोलो बाबू क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो बोलो, बोलो, बोलो। द्वितीय ग्रहण नजदीक आ रहा है और उस पर से नए रक्त संबंध बनते जा रहे हैं। नेत्रे, अरे देवा, पूरे सृष्टि के अंत तक जाकर ढूंढो। दुर्गा माँ, ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हुई हो? गुस्सा नहीं हूँ, इस घर का नमक खा रही हूँ ना, इसलिए पूरे घर को अपनी आंखें बनाकर निगरानी रख रही हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बेटी। जाओ जाओ।
भ्रमण कठिन है, बहुत कठिन है। ग्रह के गर्भ में, क्षीर सागर की गहराई में। उसके विनाश का कोई अंत नहीं है तो क्या हुआ? हजार शक्ति उसकी जो रक्षा कर रही है, जो उसे हर बार बचा रही है, उन्हें बांधने का एक उपाय हम ढूंढ कर लाए हैं। का इंतजार था वो आ चुका है। महादेव शक्ति की चिरशाला, इन बड़ी माता और छोटी माताओं पर गरुड़ कुठा शक्ति का बंधन कितना अच्छा लग रहा है। मेरा अंत करने के लिए उसका जन्म हुआ था ना, अब तुम्हारे सामने ही उसका सर्वनाश कर दूंगा। सिंह राशि, अब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हारी रक्षा करने वालों को मैंने बंदी बना लिया है। लेकिन तुम्हारे नेत्र जिस उपाय को ढूंढ कर आए थे उसका भी एक तोड़ हो सकता है। अगर कोई सिंह राशि वाला देवी के सामने उस अग्नि कुंड में आत्मदाह कर ले तो गरुड़कुट शक्ति का अटूट बंधन तुरंत खत्म हो जाएगा। ये देव अघोर शास्त्र में लिखा है। संभालो भाऊ, संभालो, ये आखिरी ग्रहण होने वाला है। अगर बच गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। संभालो भाऊ, संभालो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मेरी हर नाकामयाबी का कारण तुम हो, इसलिए पहले तुम्हें भस्म करना होगा। जाओ, तुम्हारा अंत हो। तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। दुर्गा माँ, ये खाने के समय कहाँ चली गयी? ये सब क्या है? चलिए जरा लेके जाए सब, चल आओ ना। अरे कहाँ ले जा रहे हो? सिटी हॉस्पिटल। तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बैठो। अरे बैठो ना। रुकिए तो सही, सासू माँ यहाँ है ना, तो हॉस्पिटल क्यों जाना? हम यही रहकर सब संभाल लेंगे। नहीं बेटी, वक्त कुछ ठीक नहीं है, पहला बच्चा है। प्रसाद के मुताबिक तुम हॉस्पिटल जाओगी तो ही ठीक रहेगा बेटी। माँ भी मेरी तरफ ही है, चलो बैठो बैठो। अरे रुको, पहले अपॉइंटमेंट तो लो, फिर आकर इसे ले जाना। ओके बाय, मैं अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। अरे राजी, उसके लौटते ही तुम उसके साथ चली जाओगी, उससे पहले ही मैं मंदिर जाके पूजा करके आती हूँ, तुम सब तैयारी करो। ठीक है माँ। अगर दुर्गा माँ होती तो ऐसे समय में बहुत मदद मिलती। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, माँ जैसी सास मिली है, मेरा कितना ख्याल रखती है। तेरी बहू को बचाइए माँ, चाहे उसके लिए बच्चे की जान लेनी पड़े। माँ मेरी बहू की जान बचा लो, माँ मेरी बहू की रक्षा करो, माँ मेरी बहू की रक्षा करो, कृपा करो माँ मेरी बहू की रक्षा करो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle. आप कर रहे हो, उसे चोट मत देंगे। आप कर रहे हो। हे माँ। माँ आप इसे संभालिए, इसे अंदर ले जाइए जल्दी। क्यों माँ मेरे बेटे को इस तरह से परेशान कर रही हो? उस दिन मेरी बहू की जिंदगी बचाने के लिए मैंने गलती से कह दिया कि बच्चे की जान ले लो माँ, सिर्फ इसीलिए तुम मेरे बेटे को परेशान कर रही हो। हे दयालु माँ, मुझे माफ कर दो माँ। जैसे मेरा बेटा मेरे लिए है, उसी तरह मेरी बहू के लिए उसका बेटा है। ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बता पाऊंगी माँ, मुझे माफ कर दो माँ।
मैं नहीं बता सकती माँ। छोटी थी तब कोई अगर मुर्गी या किसी जानवर की बलि देने की कोशिश करता तो मैं उसे रोकती थी। क्या इसलिए आज आप मेरी बच्ची की बलि ले रही हैं माँ? आप चाहो या ना चाहो, आप स्वीकारो या ना स्वीकारो, माँ जी ने आपको जबान दी है और मन्नत को पूरा करना इंसान का धर्म है। इसे ले लो और उन्हें बचा लो। मेरी बच्ची के जाने के बाद मैं कैसे भी जी लूंगी, पर उस घर का चिराग बुझाकर मैं जीते जी मर जाऊंगी। अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मेरी बच्ची भूखी है माँ, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। आखिरी बार इसे दूध पिला देती हूँ माँ। What about Mr. George? Los Angeles? Oh, is it doing well? Is it so? What is the financial graph of your bank? Oh, Raji, बचपन से तुम जिस देवी की पूजा करती आई हो, उनकी कृपा से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। Okay, okay. मम्मी, abroad से मेरे फ्रेंड का कॉल है। कहता है प्रोजेक्ट शुरू करने का यही सही टाइम है। एक हफ्ते का काम होगा। Hey, मम्मी से परमिशन ले ली। I'm coming. ये लड़की कौन है मम्मी? इससे पहले तो कभी देखा नहीं मैंने। इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है? कौन हो तुम? ये क्या कह रहा है? ए, मजाक की भी कोई हद होनी चाहिए। वो इतनी परेशान है और तुझे इस वक्त मजाक सूझ रहा है? ये नॉर्मल तो हो गया है, लेकिन लगता है अपनी बीवी को ही भूल गया। हाँ, पीछा छूटेगा। ये तुम क्या भूल रही हो मम्मी? Is there anything wrong with you? और नहीं तो क्या, तू अपनी बीवी से परायों की तरह बात कर रहा है। क्या कहा? ये लड़की मेरी बीवी है? ये तुम क्या बोल रही हो माँ? तेरी याददाश्त को क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? माँ जी रुकिए। जीवन ये सब क्या है माँ? ये सब क्यों बोल रही है? माँ क्यों परेशान कर रही हो? कुछ नहीं है भाई, ये लड़की हमारे घर दूध देने आती है। बेचारी को किसी ने धोखा देकर छोड़ दिया है। इस लड़की के पति का चेहरा तुमसे मिलता है, इसलिए दिलासा देने के लिए माँ जी ने ऐसा कहा। बेचारी, इस लड़की की जिंदगी कैसे तबाह हो गई है, देखो तो। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। अच्छा सुनो, वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, मुझे बताओ। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। अब तक चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो, घबराओ मत। तुझे क्या हुआ है, तू ऐसी क्यों बातें कर रहा है? तुम चुप रहो ना माँ। तुम्हारा नाम क्या है? राज। राज? राजेश्वरी। और उसका नाम क्या है? रो मत, बोलो। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रहने दो ना, इस पर इतना ध्यान मत दो। एक हफ्ते में तुम्हें अमेरिका जाना है ना, पहले उस पर ध्यान दो। जाओ। क्या चाची? हाँ? सारा घर ऐसे डिस्टर्ब सा पड़ा है, व्हाट इज दिस? किसी पागल के घर की तरह लग रहा है। तुम जाओ, मैं सब संभालूंगी। यूनिफॉर्म कहाँ है? सॉरी सर। क्या सॉरी? खुद ही बिगाड़ता है और खुद ही संभालने को कहता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ क्यों पड़ी है? अरे सुन, कहाँ जा रहा है तू बेटा? क्या माँ जी, आप भी ना,
वो अभी अभी तो ठीक हुआ है, पूरी तरह होश में भी नहीं है। थोड़ा इंतजार तो करो, फिर उसे सब याद आ जाएगा। अगर हमने उसे बार बार डिस्टर्ब किया ना, तो वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा सब्र तो करो माँ जी। हाँ माँ जी, बेहतर है हम उन्हें थोड़ा वक्त दें। पता नहीं इसके ठीक हो जाने पर खुश होना चाहिए या तुझे वो पहचान नहीं पा रहा है इसलिए दुखी होना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजी, बच्चे को इसके सामने ले आ। तुझे शायद वो एक बार भूल सकता है, लेकिन बच्चे को तू तो सुन। तो सुबह मंदिर जाते वक्त तू अपने साथ बच्चे को ले गई थी, अब आते समय अकेली आई है। कहाँ है बच्चा? वीजा रिन्यू करने के लिए मुंबई जाना होगा भैया। तुम अमेरिका जा रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारी चाची ने प्यार से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनाई है। ये लो खाओ, खास तुम्हारे लिए है। थैंक यू। सुनिए जी, उसे मत खाइए, रुक जाइए। What is this? इसमें जहर मिलाया हुआ है, इसे मत खाइए। इन्होंने मिठाई में जहर मिलाने की कोशिश पहले भी की थी। उसे एक खाकर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्या कहा? हमने जहर मिलाया? हम अपने भाई को जहर देंगे क्या? ये देखो। देखो इसमें जहर है क्या? देखिए देखिए, ये भी देखिए। हम पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? What is this nonsense? इसे खाना भी नहीं खाने दोगे क्या? क्यों इस तरह से इसके जान के पीछे पड़ी हो? अरे इसे प्रसाद से दूर ले जाओ, चलो ले जाओ। चलो इसे ले, चलो मुझे छोड़ दो, चलो ले जाओ इसे। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम चलो आओ। चल बाहर से। या आई एम कमिंग टू मुंबई टुमारो, वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। भैया मैं शहर जा रहा हूँ, बहुत काम है, बहुत परचेजिंग बाकी है। इसलिए तो बाइक सर्विस करके रखी है, ऐसे चलेगी कि रुकने का नाम ही नहीं लेगी। चाहो तो इसी से अमेरिका भी जा सकते हो। थैंक यू भैया। रुक जाइए, बाइक पर मत जाइए। मत जाइए, मेरा भरोसा कीजिए। क्यों? इस बाइक से मत जाइए, इसमें बहुत खतरा है। इस बाइक में ब्रेक नहीं है, सच में मुझे पता है, इन्होंने निकाल दिया है, इसका ब्रेक फेल कर दिया है। मेरी बात मानिए, उतर जाइए, आपकी जान को खतरा है। ये सब क्या है? मेरी बात मानिए। नहीं मत जाइए। अरे रुकिए, उसका ब्रेक नहीं है। क्या हुआ? अगर ब्रेक नहीं था तो गाड़ी कैसे रुकी? तुम फिर शक कर रही हो हम पर? तेरा रिश्ता मजबूत नहीं तो तू हमारे रिश्तों में दरार डालना चाहती है? जब से हमारे घर आई है सब बुरा हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में कहां से आ गई ये मलूस? वो क्या है ना जी? देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है, लेकिन तुम्हारा पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे जानना है कि वो कौन है। बताओ वो कहाँ रहता है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ूंगा, लेकिन अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। ये सब क्या है? अब तो उसे बच्ची दिखा दो ना। क्या किया है तुमने बच्चे का, बता ना। तू तो गया, तू तो गया, तेरा अंत नजदीक आ गया है, तू तो गया। ओके बाय। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कर दूंगा। शांति बहन, राधा बहन, आज हमारी शादी की सालगिरह है। माना वो मुझसे दूर है, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा सुरक्षित रहे इसलिए मेरे मंगलसूत्र पर हल्दी कुमकुम लगा दीजिए ना, मेरे माथे पर सिंदूर लगाकर आप सब अपनी बेटी समझकर मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना आशीर्वाद। हाँ हाँ, सारे घर में हंगामा करके आज तुम भटक रही हो, उतना काफी नहीं है क्या तुम्हें? अगर तुम जैसी का चेहरा कोई देख लेगा तो उसका बेटा कर, अगर तुझे हल्दी लगाएंगे तो हमारा भी बुरा होगा। चल जाए हाथ से, ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ती हूं, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी बेटी समझ कर। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। देखो बेटी,
आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तुम्हारे लिए हम हल्दी कुमकुम लगा देते हैं। तेरा पति हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज आप मेरे लिए भगवान हैं। हल्दी कुमकुम लगाइए माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हल्दी कुमकुम में अगर इतनी ब्रह्म शक्ति है तो क्या हुआ? उस आखिरी ग्रहण के हो जाने के बाद उसके जीते जी मैं उसके हल्दी कुमकुम को मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बस एक दिन और। कल सूर्यास्त के बाद अगर ये ग्रहण लग जाए तो इस घर में वो जीव जिंदा नहीं बचेगा। कौन है आप? जब मैं हिमालय पर गरुड़ ध्यान में था तब इस घर को मैंने जलते हुए देखा था। इस घर के दोष को मैंने देखा था। इस घर के मूल्य स्तंभ को राख बनते देखा था। मैंने इस घर में तुम्हारे बेटे की मृत्यु देखी थी। बुरी पीड़ाओं के साथ तुम्हारी बहू के रूप में वो तुम्हारे घर में कदम रखी है, उसी का अंत करने आया हूँ। जिस पल घर में लगी आग को साक्षी मानकर तुम्हारे बेटे ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, उसी वक्त उसकी कुंडली में आए दोष की वजह से उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे को जीना होगा। उसके जिंदा रहने के लिए मैं क्या करूँ, आप बताइए स्वामी। तुम्हारी बहू को मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर उसके गले में तुम्हारे बेटे ने मंगलसूत्र पहनाया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मैंने कहा था उससे कि इस बंधन से दूर रहो। हाँ, सच्चाई जानते हुए मेरे भाई से शादी क्यों? हाँ, जायदाद का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। मेरा इकलौता बेटा है स्वामी, कृपा करके हमें कोई मार्ग दिखाइए स्वामी। जो होने वाला है सिर्फ वो बता सकता हूँ, विधान को मैं थोड़े ही बदल सकता हूँ। ऐसा मत कहिए स्वामी, आपको कोई ना कोई मार्ग बताना ही होगा, आप ही उसे बचा सकते हैं। दोष को जलाने वाली इस अखंड ज्योत से इस विपत्ति का मार्ग पूछ रहा हूं। बताओ। यानोरा, इस घर की बहू का सिंदूर मिटाकर उसे विधवा बनाना होगा। कल कुंभ ग्रहण होने से पहले ही सिंदूर मिटा दिया जाए तो पति के प्राण बच सकते हैं। यानोरा, पति के जीते जी पत्नी को विधवा बनना होगा, ये कैसा न्याय है स्वामी? पति को जिंदा रखना है तो ये करना ही होगा। ग्रहण हो जाने के बाद जब ये दोष मिट जाएगा तो पत्नी दीर्घ सुमंगली हो जाएगी। अखंड ज्योत ने सत्य ही कहा है, अगर बेटे की जिंदगी चाहिए तो उसे विधवा बनाना ही होगा। हे माँ, उन्हें बचा ले। पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उठ ना, पति को मरवाने के लिए इसने शादी का जाल बिछाया था। इसे क्या पूछ रही हो, इसे ले जाकर इसका सिंदूर पोंछ कर इसे विधवा बना दो। चुप, चलो ले चलो, चलो चलो इसे ले चलो। रुक जा रुक जा, मेरे पति अभी जिंदा है, ये कैसा अन्याय है, आप ही बताइए। तुम पहले एक बात बताओ, मेरे बेटे से शादी करने के बाद उसकी बीवी बनने के बाद उसकी जान को खतरा है, ये तुम जानती हो या नहीं? जानती हूँ। ये जानने के बाद भी तूने शादी की? बोल क्यों? अरे ये क्या बताएगा? चल, माजी, माजी, चल, नहीं, छोड़ दे, नहीं। ग्रहणम्, हाँ, कोई नहीं बचा सकता तुझे। पति के मरने के बाद पत्नी विधवा होती है, ये देवताओं द्वारा लिखा हुआ विधान है। अच्छा लगा। किंतु पत्नी को विधवा बनाने के बाद पति को मारना, ये मेरा लिखा हुआ तुम्हारे पति का मैं सर्वनाश कर चुका हूँ। तुम्हारे पति के प्राण इस लोक से परलोक जा रहे हैं। रोती रहो,
तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर बड़ी माता और छोटी माताओं की आंखों से खून के आंसू निकलने चाहिए। रुति रहो, अब तुम सब भी विलाप करो। विलाप करो। इस आखिरी ग्रहण के होने तक मैं इसके भी प्राण ले लूंगा। रोक सको तो रोक लो, रोक लो। सर्वनाश। आप लोग मेरी रक्षा मत करना, मत करना मेरी रक्षा। और अपनी दसों आंखें बड़ी करके इसी तरह सिर्फ मेरा नाश होते हुए देखती रहना। सर्वनाश। अपने बच्चे की बलि दी मैंने, पति के होते हुए भी मैं विधवा हो गई। मेरा सुहाग मुझसे बिछड़ गया, सर्वनाश हो गया। अब क्या बचा है मेरे प्राण के अलावा? सर्वनाश। सिंह राशि की होते हुए भी वह क्या किस्मत पाई है मैंने? मेरी कुंडली में दोष दे ही दिया है, तो मेरी बलि में क्यों नहीं ले लेती हो तुम? दोषी हूँ मैं, और नहीं जीना चाहती हूँ मैं। उसकी हल्दी और कुमकुम तो मिटा दिया गया था, उसका श्रृंगार भी समाधि में धो दिया गया था। राजेश्वरी, बेटी राजेश्वरी, तुम्हारी सूनी गोद देखकर मैं खुश नहीं हूँ। नागमाता, नागमाता, इसका बच्चा इसे लौटा दो माँ। गोद में खेली बड़ी सौभाग्यशाली है, लेकिन दुर्भाग्यवश अनाथ है। आप अपने परिवार में इसे छोटी सी जगह देंगे क्या? ओह, तुम हमारे घर में दूध बेचने वाली राजेश्वरी हो? वही हो। तुम मुझे भूल गई क्या? तुम अपने पति को कैसे भूल सकती हो? ये भी भूल गई, हमारी शादी हुई, बच्ची हुई, सब कुछ भूल गई तुम। तुम्हें तो बादाम खाने की जरूरत है, अगली बार ऐसा मजाक मत करना। राजी, तुमसे कितनी बार कहा बच्ची को बाहर ले जाते समय स्वेटर पहना लिया करो। कोई बात नहीं, बच्ची मेरे हाथ में अंडर कंट्रोल एंड आई एम अंडर वाइफ्स कंट्रोल।